ने साहिवाल के वाके से भी सबक ना सीखा। शेखपुरा पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान जख्मी। पुलिस वाले जख्मी रिजवान को जनरल अस्पताल लाहौर छोड़कर भाग गए। डॉक्टर्स ने सर में गोली लगने की तस्दीक कर दी। रिजवान की हालत तशवीशनाक है। पुलिस को सीधी गोलियां चलाने का इख्तियार किसने दिया, ये बड़ा जुल्म है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट सानेहा साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी के केस में आईजी पंजाब पर बरहम। बताएं सानेहा साहिवाल की क्या तहकीकात हुई। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान का इस्तफसार। गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी अफसरान मुअत्तल कर दिए। आईजी का जवाब। इंक्वायरी कितने रोज में मुकम्मल होगी, वक्त बताएं। चीफ जस्टिस, इंक्वायरी के लिए कम से कम 30 दिन चाहिए। आईजी पंजाब का जवाब। दोबारा इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए, तमाम डीपीओस को बता दें। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान का आईजी से मुकालमा। जीआईटी सरबराह रिकॉर्ड समेत 28 जनवरी को तलब जुडिशियल इंक्वायरी की दरखास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में नया बेंच तश्कील। जीआईटी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इतने बड़े वाके पर वजीर आला की गैर मौजूदगी लम्हा फिक्रिया है। सानेहा साहिवाल की जख्मी हादिया वाकया बयान करते हुए आप दीदा हो गई। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मॉडल टाउन वाके पर सियासत की गई, हम सानेहा साहिवाल पर सियासत नहीं कर रहे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को बायस तशवीश करार दे दिया। पैसों से मेरा मुंह बंद करना चाह रहे हैं, वो मेरे भाइयों की कीमत लगा रहे हैं। पैसों से कोई खरीदा नहीं जा सकता। वो मेरे साथ अफसोस कर लेते, वो 2 करोड़ के वो 3 करोड़ से भी बेहतर था। एक मरतबा आके मुझे कहते कि भाई जो भी आपके साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ। 2 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान करने वाले 2 मिनट के इजहार अफसोस के लिए ना आए। पैसों से मेरे भाई की कीमत लगाई जा रही है। मकतूल खलील के भाई की लाहौर न्यूज में गुफ्तगु। मुकदमे के मदई खलील के भाई ने फैमिली के लिए सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। डिफेंस में घर में फायरिंग का वाकया। फायरिंग से 2 खवातीन जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी। जख्मी खातीन की शनाख्त कोमल और जवेरिया के नाम से हुई है। जैन मंदिर के इलाके में नौजवान शराब के नशे में आपे से बाहर। शराब के नशे में धुन नौजवान ने अपने ही दोस्त के सर में बोतल दे मारी। जख्मी होने वाले नौजवान को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ की सेहत रोज बरोज खराब होने लगी। डॉक्टरों का भी तशवीश का इजहार। दिल की शरियाने जवाब देने लगी। पीआईसी की मेडिकल बोर्ड बनाने की सिफारिश। महकमा दाखिला ने साबिक वजीर आजम के टीबी मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए महकमा सेहत को मरासला जारी कर दिया। मेडिकल बोर्ड में माहिरीन इमराज कल्ब और दीगर टीबी माहिरीन शामिल। नवाज शरीफ के थीलियम स्कैन और ईसीजी टेस्ट की रिपोर्ट की कॉपी लाहौर न्यूज को मौसूल। सेहत बिल्कुल ठीक और हौसले बुलंद हैं। नवाज शरीफ ने सेहत के बारे में कारकुनों के सवाल पर गालिब का शेर सुनाया। इनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बोले सानेहा साहिवाल, अफसोसनाक। बगैर तस्दीक बेगुनाहों का खून नहीं बहाना चाहिए था। नवाज शरीफ का शफाफ तहकीकात का मुतालबा। हुकूमत ने 6 माह जाया कर दिए। मुल्तान मोटरवे मुकम्मल है मगर इफ्तिताह नहीं किया जा रहा। मुल्क की मआशी तरक्की और खुशहाली के लिए इकदामात किए, अब हालात देख कर अफसोस होता है। सी पैक को रोका गया तो मुल्क बहुत नुकसान होगा। साबिक वजीर आजम की लाहौर न्यूज से गुफ्तगु। कैदी नंबर 4470 से मुलाकात। नवाज शरीफ से कोटलकपत जेल में अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी और मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज वालिद का पसंदीदा खाना भी साथ लाई। जेल के बाहर कारकुनों का रश। कायद के हक में नारेबाजी। परवेज रशीद बोले, नवाज शरीफ की सेहत के बारे में अवाम में परेशानी पाई जाती है। इलाज मुआवजे की सहूलत हर कैदी का हक है। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि तब्दीली के नारे हवा हो गए, हुकूमत एक्सपोज हो गई।
नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी का मामला मरियम नवाज के ट्वीट पर तर्जुमान वजीर आला पंजाब मैदान में आ गए। मरियम नवाज के मौकफ को सरासर झूठ और ब्लैकमेलिंग पर मबनी करार दे दिया। शहबाज गुल कहते हैं शरीफ फैमिली जब चाहे नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकती है। जेल के डॉक्टर्स रोजाना चेकअप करते हैं, मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे रहे हैं। होकर पैलेस बचाने के लिए एलडीए अफसरान मेहरबान हो गए। गैर कानूनी तामीर की सरपरस्ती का मलबा एलडीए के फौत शुदगान अफसरान पर डाल दिया गया। मरने वालों से इंक्वायरी कौन करे, मामला खटाई में डालने का मंसूबा तैयार। अवामी हुकूमत के दावेदारों ने अवाम के लिए दरवाजे बंद कर लिए। तब्दीली सरकार का एक और बड़ा यू टर्न, ओपन डोर पॉलिसी सिक्योरिटी के नाम पर रद्द। ओपोजिशन अरकान असेंबली और आम शहरियों के बगैर इजाजत, ऐवान वजीर आला दाखिले पर पाबंदी। वजीर आला को फरियाद सुनाने के लिए पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इजाजत लेना होगी। सीएम ऑफिस के लिए नया एसओपी जारी कर दिया गया। वासा डेक्टोरिएट की हदूद में बड़ी तब्दीली, अनारकली सब डिवीजन को रावी टाउन की हदूद से निकाल दिया गया। अनारकली सब डिवीजन को गंजबख्श टाउन की हदूद में शामिल कर दिया गया। डायरेक्टर एडमिन वासा मुश्ताक अहमद टुआना ने नोटिफिकेशन जारी किया। चोरों को खुदा का खौफ न पुलिस का डर, अल्लाह का घर हो या फलाही अदारा सब गैर महफूज। लोहारा वाला खुआ में मस्जिद का एम्पलीफायर सेट चोरी हो गया। चोर मुख्तलिफ मुकामात पर रखे गए फलाही इदारों के चंदा बॉक्स भी ले उड़े। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। नई हुकूमत में भी वही पुराने मसाइल। लेडी एचिसन अस्पताल के सामने सीवरेज का नाकिस निजाम, उबलते गटरों से इलाका जौहर का मंजर पेश करने लगा। मकीन और दुकानदार परेशान। घड़ी शाहू के इलाका में सुई गैस नायाब, इलाका मकीन अजियत में मुब्तला। सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अखबार फरोश यूनियन लाहौर के साबिक ताहयात सदर चौधरी रशीद अहमद की 20वीं बरसी। अखबार फरोश यूनियन की जानिब से मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआया तकरीब। अखबार फरोशों, न्यूज एजेंटों और मुख्तलिफ अखबारात के नुमाइंदों की कसीर तादाद में शिरकत। हाजरीन ने मरहूम की खिदमात को सराहा। कानूनदान एसएम जफर के बेटे और बैरिस्टर अली जफर के भाई तारिक जफर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम तारिक जफर की नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, सरदार मोहम्मद शमीम खान समेत दीगर जजेस, वकला और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। मैस कम्युनिकेशन के तुलबा का मुस्तकबिल रोशन है। 76 नए टीवी चैनल्स को लाइसेंस दिए जाएं। आइंदा ज्यादा लाइसेंस इंटरटेनमेंट चैनल्स को मिलेंगे। गवर्नमेंट एमओ कॉलेज के शोभा इब्लाग आमा में सेमिनार से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग का खिताब। शहरियों के लिए खुशखबरी, अब हर रोज करें गवर्नर हाउस की सैर। गवर्नर हाउस को आवाम के लिए रोजाना की बुनियाद पर खोलने का फैसला। पहले सिर्फ इतवार के रोज गवर्नर हाउस खोला जाता था। गवर्नर हाउस का फ्रंट लॉन, झील, बारादरी, टेनिस कोर्ट, पहाड़ी, चिड़ियाघर और बागात खुला रहेगा। आवाम की सहूलत के लिए कैंटीन्स बनाने का भी फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कॉटिश स्कॉलरशिप के सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब। स्कॉटिश बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके खूब दाद समेटी। अंग्रेजी धुनों और गानों पर तुलबा झूम उठे। और फिल्म शायकीन के लिए खुशखबरी, पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी के तीसरे पार्ट की तैयारियां शुरू। फिल्म में मारूफ अदाकार जलवागर होंगे।